फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ आम की एक बहुत ही अच्छी तीखी खट्टी मीठी सी रेसिपी, जो बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आएगी। इसे आप जैम की तरह भी खा सकते हैं, ब्रेड पे लगाकर रोटी से भी खा सकते हैं। गर्मी का मौसम है, गर्मी में आम बहुत ही अच्छे आते हैं, तो इसे एक बार तो बनाना बनता ही है। चलिए, तो देर किस बात की है, फिर बनाते हैं। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। आम की इस चटपटी सी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने 4 आम लिए थे। अच्छे से धो के छीलने के बाद इनको मैंने कद्दूकस कर लिया था। बीच का जो पार्ट होता है ना, गुठली, इसको मैंने छोड़ दिया था, साइड साइड से सारा घिस लिया था। और जो ये जो हमारा कद्दूकस है ना, इसमें एक तो बारीक वाले होल होते हैं और एक ये बड़े वाले, और जो मीडियम वाले होते हैं ना, तो इसमें मैंने इसको कद्दूकस कर लिया है। तो ये देखिए, मैंने सभी आमों को कद्दूकस कर लिया। इस प्रोसीजर को मैंने इसलिए करके रख लिया था ताकि जो हमारा समय है कम लगे। चलिए, तो चलते हैं अपनी गैस की तरफ। मैंने एक कढ़ाई ले ली है, कढ़ाई हमारी गर्म हो गई। यहाँ पर मैं एक चम्मच डाल रही हूँ घी। घी की जगह आप रिफाइंड ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। घी हमारा गर्म होने देंगे। घी गर्म हो गया है। यहाँ पर मैंने 6-7 बादाम लिए थे, 6-7 काजू लिए थे। इनको इसमें डाल के थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि इनका जब हम इसे खाएं ना रेसिपी को, तो इसमें जब मुंह में इसका क्रंच आता है तो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी आप इसे जरूर डालें। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है इस रेसिपी में। हमारे काजू बादाम हो गए हैं, इनको हम वापस से उसी प्लेट में निकाल लेते हैं। ज्यादा देर हम इसे नहीं भूनेंगे, नहीं तो जो हमारे ड्राई फ्रूट हैं जल जाएंगे। अब मैं इसमें यहाँ पर कुछ खड़े मसाले डालूंगी। 1/2 चम्मच ली है मैंने सौंफ, 1/4 टीस्पून ली है मैंने कलौंजी, 1/4 टीस्पून ली है मैंने मेथी, 1/2 चम्मच लिया था मैंने साबुत धनिया, इसको क्रश करके ले लिया है, इसको भी डाल देंगे और इन्हें 1 मिनट तक भून लेंगे। हमारे सभी जो खड़े मसाले हैं भून गए हैं। अब हम इसमें अपना आम डाल देंगे। आम डालने के बाद हम इसको 1 मिनट तक बस ऐसे ही भून लेंगे, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, बस 1 मिनट तक ही, ताकि जो हमारे आम हैं थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। गर्मी के मौसम में आम बहुत अच्छे आते हैं और खाने में भी अच्छे लगते हैं। तो आप इस रेसिपी को बना के रख सकते हैं, पूरे 1 साल के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये आपको जरूर बनानी चाहिए। आप इसे रोटी के साथ या फिर ब्रेड के पे लगाकर जैम की तरह भी खा सकते हैं। बच्चे बड़े सभी को बहुत पसंद आता है। हमारी 1 मिनट हो गई है, अब हम इसमें डालेंगे। मैंने 1 कप ली है चीनी और 1 कप ही लिया है मैंने गुड़। गुड़ को छोटा छोटा तोड़ के ले लिया है। आप चाहे तो 2 कप चीनी डाल सकते हैं, चाहे तो 2 कप आप गुड़ का भी यूज कर सकते हैं, और चाहे तो दोनों को आधा आधा मात्रा में भी डाल सकते हैं। तो इससे क्या होता है ना, गुड़ हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, पेट के डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है, और गुड़ से जो है ना इस रेसिपी में कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो इसका रेशो ये होता है, अगर हमारे 1/2 किलो आम है तो उसमें हम 1/2 kg ही मीठा डालेंगे, क्योंकि आम खट्टे होते हैं ना, तो अगर हम इसमें मीठा कम डालेंगे तो खाने में बहुत खट्टा लगता है। तो इस रेसिपी के लिए यहाँ पर मैंने 1/2 किलो आम का यूज किया था और 1/2 किलो ही हमने इसमें मीठा डाल दिया है। अब हम इसको चीनी और गुड़ को मेल्ट होने तक इसको पकने देंगे। 15 मिनट कवर करके इसको पका लेंगे। 15 मिनट हो गई हैं, हम एक बार अपने इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, गुड़ और चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई हैं, और इसको मैंने बीच में भी 1-2 बार चला दिया था। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये मैंने ली है थोड़ी सी हल्दी का पाउडर लिया है, डाल देंगे, इससे इसमें बहुत अच्छा सा कलर आएगा। और 1/2 चम्मच ली है मैंने लाल मिर्ची का पाउडर, इसको भी इसके अंदर डाल देंगे। 1/2 चम्मच ही लिया है मैंने भुने हुए जीरे का पाउडर, इसको डाल देंगे इसके अंदर, इनको मिला देंगे। और इसमें 1/4 टीस्पून के बराबर डाल रही हूँ मैं नमक। जो ये रेसिपी है ना, ये खट्टी मीठी तीखी जब खाते हैं ना, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसको हम फिर से 10 से 15 मिनट के लिए पका लेंगे। तो ये देखिए, ये जेली जैसे दिखने लगी है, लेकिन अभी क्या है ना, इसमें थोड़ी पतली है, तो अभी हम इसको और पका लेंगे थोड़ी थिक होने तक। फिर से हम चेक कर लेते हैं, 10 से 15 मिनट हो गई है। हमारी जो आम की चटनी है, आम का छुंदा या फिर आम का आप इसे मुरब्बा भी कह सकते हैं, बनकर तैयार है। इसी कंसिस्टेंसी का हमें रखना है, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये और थिक हो जाता है। फ्लेम बंद कर देंगे और जो हमने ड्राई फ्रूट रखे थे फ्राई करके, उनको इसके ऊपर डाल देंगे, मिला देंगे ड्राई फ्रूटों को। तो ये देखिए, देखने में कितनी टेस्टी और मजेदार सी लग रही है, खाने में भी ये उतनी ही टेस्टी लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। हम आम की लौंजी या फिर आम की चटनी को चेक कर लेते हैं, थोड़ी ठंडी हो गई है। मैं आपको इसकी दिखा देती हूँ कंसिस्टेंसी, थोड़ी सी उंगली पे लेंगे और ये देखिए, इसमें ना एक तार की जैसी चाशनी बन रही है। बस इससे ज्यादा हमें इसे नहीं पकाना है,
बहुत ज़्यादा ओवर कुक कर देंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा मतलब दांत में जाके चिपकने लगती है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, सर्व कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने सर्विंग बाउल लिया है, आप इसको किसी एयर टाइट कंटेनर या फिर जार में भरकर 1 साल तक इंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी, रेसिपी पसंद आई है तो रेसिपी को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, वीडियोस को अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी और आप इस रेसिपी को क्या कहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।